नमस्कार दोस्तों, आप सभी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए हैं आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है, जो कि ये खबर हम दिखाने जा रहे हैं मानदेय से रिलेटेड जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए हम सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से एक खबर जो है कि निकाल कर आ रही है, आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर बहुत बड़ी जो है कि समस्या है कि जो भी उनका मानदेय है 2-4-5 हज़ार वो भी उनको समय से नहीं मिल पा रहा है। उसके संबंध में जो है कि खबर निकल कर आ रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हर विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि जो भी सरकारी अर्धसरकारी और मानदेय कर्मी हैं उनको जो है कि समय से वेतन भुगतान किया जाए, उनका मानदेय जो है कि समय से दिया जाए। इसके संबंध में जो है कि उन्होंने आदेश दिए हैं हर विभाग के अधिकारियों को। तो हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों का उत्तर प्रदेश में मानदेय जो है कि आज 4 महीने से जो है कि रुका हुआ है, उनका मानदेय नहीं आ रहा है। अब हम आपको बता दें कि ये सरकार द्वारा जो है कि बहुत बड़ा एक कदम उठाया गया है, जिसको ये लेकर बताया जा रहा है कि एक डेट निर्धारित किया जाएगा जिस डेट पे जो है कि सभी विभाग के कर्मचारियों को मानदेय जो है कि और उनका वेतन उसी डेट पे उनको भेज दिया जाएगा उनके खाते में। तो इसको लेकर ये बहुत बड़ी जो है कि सरकार द्वारा जो है कि कदम उठाई जा रही है आंगनबाड़ी बहनों के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, जो कि उत्तर प्रदेश से एक खबर निकल कर आ रही थी। हम आपको पूरे विस्तार से दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य बहनों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि अन्य बहनों तक भी ये खबर पहुँच सके। और इस तरह के खबरों के साथ आगे भी अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।